तो देखिए, आज मैट्रिक का एग्ज़ाम था जिसमें इंग्लिश इन लोग का विषय हुआ है, तो चलिए आज स्टूडेंट से जानने का प्रयास करते हैं कैसा रहा इंग्लिश का इन लोग का सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए कुछ बच्चा लोग आ रहा है, तो देखिए हम लोग को देख के लगता है डर गया, पहले से ही लोग रुका हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट लोग आ रहे, देखिए आगे पे जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया क्या सब्जेक्ट था? इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी था? कौन कौन में अंग्रेजी है? कौन कौन में अंग्रेजी? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ सेंटर दिया था जी? अमनातली। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम 40 का 40 मार दिया लग रहा है। हां सर, इसका बाप को क्या लाने में? अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बना के दिखाइए। मैं घर जा रहा हूं, इसमें क्या बोलेंगे? आई एम घर घुसिंग। बहुत बढ़िया बेटा, तुम टॉप करेंगे सर। नहीं नहीं, तुमरा टॉप करना से लग गया, टॉप का गया। क्या जी, कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया सर, बहुत फाड़ गया है। कॉपी फाड़ के आया एग्जाम में? कॉपी फाड़ के नंबर कहां से मिलेंगे? तो चेकर जाने का। अरे चेकर कॉपी नहीं फाड़ा जाता, वो लिख के आया जाता। ठीक है, आपका कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा। देखिए आज ये लोग का इंग्लिश का शायद एग्जाम था, दिखा दीजिए जी थोड़ा, कैमरा मैन इंग्लिश का देख लीजिए। बहुत बढ़िया, लड़की का फोन नंबर लेके आया सर। लड़की का नहीं है, वो मास्टर है ना वहाँ पे, वो दिया है नंबर। सब हो गया सर, लड़की का नंबर है, कॉलेज में भर्ती होती लेने के लिए। देख लीजिए, ये लोग लड़की का नंबर लेके आता है, लड़का बोलता है कि मास्टर नंबर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। एग्जाम खत्म हो गया लास्ट? हाँ लास्ट। चलिए लोग, एग्जाम खत्म हो गया, इसके बाद संस्कृत है। संस्कृत है, ठीक है। चलिए संस्कृत, संस्कृत दो तारीख को मिलेंगे। क्या क्या है? संस्कृत दो तारीख को है ना? हाँ सर, संस्कृत तारीख को है। अरे यार, इतना अच्छा एग्जाम लिख लिया कि तारीखें भूल गया। काजी याद नहीं आ रहा, आज याद नहीं आ रहा। अब देखिए इसको देख लीजिए, देख के ही लग रहा बहुत पढ़ा है। दिखाइए जी कैमरा मैन, देखिए इतना सुंदर लग रहा है लड़का, एकदम देख रहे ना, पूरा पढ़ लिया लग रहा है। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा, 40 का 40 आ जाएगा? आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग का झारखंड का लड़का लोग इतना अच्छा एग्जाम दे रहा है कि अंदर से खुशी। देख लीजिए इन लोग का, देख के ही लग रहा है। कैमरा मैन दिखाओ कितना खुश है। बहुत बढ़िया, चलो आज पार्टी करेंगे। YouTube में मिलेगा, कौन सा मिलेगा? चलिए बीएचएम ब्लॉग में आ जाएगा। बीएचएम ब्लॉग में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। और बच्चा लोग पहुंच जाता है, चलिए इन लोग से पूछते हैं क्या जी कैसा रहा एग्जाम सबों का? एग्जाम बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या जी आपका एग्जाम हार्ड करेक्ट है? देख लीजिए आज का बच्चा लोग एकदम इतना अच्छा एग्जाम लिखा है, इंग्लिश ऐसे बोलता है झारखंड का आदमी लोग जानता नहीं। देख रहे हैं फाड़ फाड़ के आ रहा बच्चा लोग, एकदम 40 में 40 आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कहाँ गया आपसे पूछेंगे। ब्यूटीफुल के स्पेलिंग जानते हैं जी? जी बता दीजिए तो। बी ए E-E-A-U. बस बस, बहुत बढ़िया। बी ए टी यू मतलब अच्छा सर। अब देखिए आ गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सर लग रहे हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ पूछ सकते हैं। क्या अंग्रेजी था आज? हाँ अंग्रेजी था। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग मतलब? ब्यूटीफुल छोड़िए, अभी गर्मी में सिर दर्द करा, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछ रहे हैं। ऐसा ऐसा लड़का है, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछिए तो सिर दर्द करा, लेकिन 40 में 40 बनाया जी सर। आपको कोरोना हुआ है क्या जी? सर क्या बोलेंगे, मैम से बोले ना। हाँ बोलिए, पढ़ गया मास्क लगा कर रखा हुआ ना, सब लड़की लड़का देख लेगा आपको। सकल सही दिख रहा है, स्मार्ट है, बहुत अच्छा लगा कि मास्क लगा के। देखिए जिसको अपने सकल पे ज्यादा घमंड है, कृपया करके मास्क लगा के भाई, उसे क्या होगा ना। आप लोग का जो है ना सेटिंग उटिंग जो है वो दूसरा से सेटिंग नहीं होगा, है ना जी सर? बहुत तो मजा आया एग्जाम में लिख के, 40 का 40 मार दिए। बहुत बढ़िया, चलिए झारखंड का बच्चा लोग इंग्लिश का एकदम एग्जाम बहुत हैवी गया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ के देखते हैं लोग से। ठीक है, बताएगा क्यूट का स्पेलिंग बताएगा क्या? CUTI, बहुत सुंदर। या देखिए स्पेलिंग सुन लिया क्यूट का, CUTI, क्यूट होता है। और कितना लिखे हैं जी? 40 में 40 ना? 40 में 40। डर लग रहा है क्या के बाद? नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। हमको तो पूरा विश्वास है तुम लोग 40 में 40 लाएगा। कैसा लग रहा है? आ जाएगा, आ जाएगा। तो झारखंड का बच्चा लोग को इंग्लिश में कमजोर समझने वाला लोग, समझने का नहीं है। हमारा इधर देखिए बच्चा लोग फाड़ देगा एकदम, अंदर से खुशी है। सभी पार्टी उठी चलेगा क्या इसके बाद? अभी चलेगा, कल चलेगा सर, रामनवमी में पूरा मजा लेना है। बस बस, देखिए आप लोग अच्छा एग्जाम लिख लिया तो रामनवमी में जय श्री राम वाला एकदम नारा चलेगा, वहाँ के गाना फाड़ देगा ना जी सर, एकदम मजा आएगा ना, मजा आ जाएगा। चलिए इन लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ठीक है, तो ब्लॉग में आप बने रहिएगा।